दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ सोयाबीन कढ़ाई मसाला। कढ़ाई पनीर कढ़ाई भिंडी की तरह सोयाबीन कढ़ाई मसाला भी बहुत बढ़िया लगता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सोया चंक्स को बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए एक बर्तन में पानी चढ़ा दिया है। अब पानी में थोड़ा सा नमक डालेंगे और जैसे ही पानी उबलने लगेगा उसमें हम सोया नगेट्स डाल देंगे। अब 2-3 मिनट के लिए इसे बॉईल कर लेंगे। नगेट्स बॉईल हो गए हैं तब इसे छान लेंगे और छानने के बाद ठंडा कर लेंगे। नगेट्स के ठंडे होने तक हम सब्जियां काट लेंगे। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस में काटा है। आप चाहें तो बड़े साइज़ का प्याज भी ले सकते हैं। प्याज को काट लिया है तब आप एक टमाटर काटेंगे। टमाटर को भी बहुत बारीक तरीके से चॉप करेंगे। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप टमाटर को चॉपर में चॉप कर लें या फिर ग्राइंड कर लें। ये जो हमने एक प्याज और एक टमाटर कट किए हैं इसकी हम ग्रेवी तैयार करेंगे। अभी इसे साइड में रखते हैं। अब शिमला मिर्च कट करेंगे। तो जो ये शिमला मिर्च है और एक प्याज और टमाटर है इसकी कटिंग हम अलग करेंगे। इसे स्क्वायर के शेप में काटेंगे। जैसे कढ़ाई पनीर के लिए सब्जियां काटी जाती हैं वैसे ही काट लेंगे। प्याज को चौकोर काटने के बाद इसके पेटल्स अलग कर लेंगे। बस यही सब्जी काटने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी सारे प्रोसेस आसानी से हो जाते हैं। टमाटर को काटने के बाद इसके बीज अलग कर लेंगे। इस टमाटर का यूज़ हम सब्जी में ऊपर से करेंगे इसलिए थोड़ा सा कड़ा टमाटर लें। वैसे तो टमाटर के बीज निकालना ऑप्शनल है लेकिन मैं हमेशा बीज निकाल देती हूँ। वेजेस रेडी है तो चलिए अगले स्टेप में चलते हैं। सोयाबीन ठंडा हो गया है तब इसे इस तरह से दबाकर इसका सारा पानी निकाल देंगे, क्योंकि इसे अभी भुनना भी है तो इसका पानी निकालना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये अच्छे से भुन नहीं पाएगा। नगेट्स का पानी निकाल दिया है तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है। अब इसमें 2 चम्मच रिफाइंड तेल डालेंगे। तेल के गर्म होते ही इसमें न्यूटी नगेट्स डालेंगे और अब नगेट्स को 3 से 4 मिनट अच्छे से भुनेंगे। ये भुनने वाला स्टेप बिल्कुल भी स्किप ना करें। नगेट्स के 1-1.5 मिनट भुनने के बाद इसमें शिमला मिर्च और प्याज ऐड कर देंगे। टमाटर अभी नहीं डालेंगे क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाते हैं। सोयाबीन के साथ प्याज और शिमला मिर्च भुनने से इसका क्रंच बना रहता है। अब इस पर हम मसाले की कोटिंग करेंगे। तो मेरे पास ये सांभर मसाला रखा है, मैं इसे ही डालूंगी। आप चाहें तो कढ़ाई मसाला डाल सकते हैं या सिंपल हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं। 4 से 5 मिनट सारी चीज़ों को सौते कर लिया है और नगेट्स पे मसाले की कोटिंग भी हो गई है। तब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और अब अपने नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो वापस उसी कढ़ाई को गैस पे चढ़ाकर उसमें 3 चम्मच तेल डालेंगे और स्लाइस की हुई प्याज ऐड करेंगे। अब इसमें लहसुन अदरक और एक हरी मिर्च तोड़कर डालेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है तो गैस ऑफ कर देंगे। इस प्याज की हमें ग्रेवी बनाना है तो इसे ठंडा कर लेंगे और प्याज को ठंडा करने के बाद ग्राइंडर में डालेंगे। और अब मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे पानी के साथ भी पी सकते हैं। अगर दही डाल रहे हैं तो 4 से 5 चम्मच दही डाल देंगे और अब इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। प्याज का पेस्ट रेडी है तो चलिए सोयाबीन कढ़ाई बनाते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ कढ़ाई मसाला नहीं बना रही हूँ क्योंकि वो मेरे पास पहले से रखा है। अभी मैंने 8-10 दिन पहले कढ़ाई भिंडी का वीडियो डाला था जिसमें कढ़ाई मसाला बनाया था और इसका शॉर्ट वीडियो भी चैनल पे अपलोड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो कढ़ाई को गैस पे चढ़ाने के बाद इसमें मैंने तेल डाला है, 1 तेज पत्ता डाला है और जो टमाटर चॉप किया था वो ऐड किया है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। तो नमक, कश्मीरी लाल मिर्च की मात्रा ज़्यादा रखिएगा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डाल देंगे और सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने जीरा नहीं डाला है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। तेल डालने के बाद सीधे टमाटर डाला है और टमाटर को सॉफ्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम लो रखेंगे क्योंकि अब हम इसमें
दही और प्याज वाला पेस्ट ऐड करेंगे। पेस्ट डालने के बाद इसे मसालों के साथ मिक्स करेंगे और लगातार चलाएंगे क्योंकि इसमें दही भी है। ग्रेवी काफ़ी थिक है तो इसमें आधा कप पानी डालेंगे और अब इसे ढक्कन लगाकर 2-3 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे। 3 मिनट के बाद ढक्कन हटा देंगे और अब ग्रेवी में हम शिमला मिर्च, प्याज और नगेट्स डाल देंगे। अब इसमें हमने जो बड़े पीस में टमाटर काटा था वो डाल देंगे, मिक्स करेंगे। और अब इसमें मैं ये कढ़ाई मसाला डाल रही हूँ। इस कढ़ाई मसाला में साबुत धनिया, लौंग, इलायची, छोटी और बड़ी दोनों इलायची, काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा, सौंफ, जीरा और तेज पत्ता है। इन मसालों को कुछ सेकंड तक लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे और फिर इन्हें ठंडा करके दरदरा पीस लेंगे। कढ़ाई मसाला तैयार हो जाएगा। अब इसमें एक हरी मिर्च स्लिट करके डालेंगे और कसूरी मेथी क्रश करके डालेंगे। सोयाबीन कढ़ाई मसाला तैयार है। यदि आपको वही सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा है तब आप इसे बना सकते हैं या फिर किसी गेस्ट के आने पे बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।